आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए खुशखबरी है, एक बार फिर से हमारे बीच है सीए अमरजीत सिंह जी। और आज हम डिस्कस करेंगे सर, एक सर्कुलर और आ गया जी। हमने वहां पर डिस्कस कर लिए थे तीन सर्कुलर जी। उसके बाद एक सर्कुलर और आ गया और साथ में दो नोटिफिकेशन भी आ गई जी। और अब की बार जो दो नोटिफिकेशन आई है उसमें एक तो सर रूल्स को अमेंड कर दिया गया है, ठीक है ना, और एक नोटिफिकेशन छोटी सी है। हालांकि ये सारी चीजें हम अपनी जो हमारी मैगजीन है, कौन से मंथ की हमारी मैगजीन है, जो अक्टूबर का एडिशन आपको मिलने वाला है 5 अक्टूबर को, हम उसमें सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी, 30 तारीख तक जो भी नोटिफिकेशन आ जाएगी सबको इनकॉर्पोरेट करेंगे। लेकिन यहां पर भी एक बार आप उन सारी नोटिफिकेशंस को सर्कुलर को पढ़ ले, जिससे कि आपको सारी क्लियरिटी आ जाए। अगर आपने अभी तक मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तो सर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सर्कुलर नंबर आया 162 नंबर, और ये जो सर्कुलर नंबर सर 162 आया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके बैकग्राउंड में आपको लेकर जाऊं तो हमारे जीएसटी के अंदर दो सेक्शन होते हैं, एक तो सेक्शन 77 होता है सीजीएसटी में और एक दूसरा सेक्शन होता है सेक्शन 19 आईजीएसटी में। सर ये दोनों सेक्शन बेसिकली कहते क्या थे, ये कहते ये थे कि भाई अगर आपने गलत टैक्स जमा कर दिया जी, आप लेट सपोज 2017 में जीएसटी नया था और 2017 में आपने गलत टैक्स जमा कर दिया, ठीक है ना, और बाद में आपको पता चला कि भाई सही टैक्स ये है। गलत टैक्स का मतलब ये है, लेट सपोज आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई मान ली और सीजीएसटी एसजीएसटी जमा कर दिया और बाद में आपको पता लगा कि भाई ये तो इंटर स्टेट है जी। तो सेक्शन 77 ये कहता था कि जब भी आपको ये पता चले तो आप क्या करना, सही टैक्स डिपॉजिट कर देना और गलत टैक्स का रिफंड ले लेना। लेकिन इसमें सर दिक्कत क्या थी, जो हम कहते थे कि जो गलत टैक्स हमसे जमा हो गया उसका रिफंड कब तक ले जी, उसकी टाइम लिमिट क्या होगी जी, उसकी टाइम लिमिट कहीं भी नहीं लिखी थी जी। तो लेट सपोज मैंने गलत टैक्स जमा कर दिया 2018 में, तो मेरी जो टाइम लिमिट थी, तो रिफंड के केस में जो सेक्शन 54 कहता है, तो मैं 2 साल की टाइम लिमिट कैलकुलेट करूंगा और मैं वहां से करूंगा जहां पर आपने गलत टैक्स जमा करा। गलत टैक्स पेड भी नहीं लैंग्वेज थी वहां पे, था टैक्स पेड, टैक्स पेड वहां पर एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 54 ये कहती थी, जिसका हम रेजिडुअरी क्लोज को लेते थे। बिल्कुल, वो ये बोलती थी कि इन एनी अदर केसेस जब आपने टैक्स पेड कर दिया वहां से आप 2 इयर्स ले लेते। तो यहां पर असेसिंग ऑफिसर क्या करता था सर, वो ये कहता था कि भाई जब आपने गलत टैक्स पे करा उसी का तो रिफंड ले रहे हो, उसी का रिफंड ले रहे हो, तो आप वहां से डेट कैलकुलेट होगी। सर इसमें ना एक गलती थी, गलती क्या थी सर, मैंने 2017 में गलत टैक्स पे किया, मुझे पता चला 2020 में जाके जी, जब मैं 2020 में जाके सही टैक्स तो पे कर देता था, गलत टैक्स के लिए मेरा टाइम लिमिट चला जाता था। तो गवर्नमेंट ने इस पे क्लैरिफिकेशन करी जी। गवर्नमेंट ने इस पे क्लैरिफिकेशन क्या करी कि सर अगर आपने कोई भी गलत टैक्स डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है ना, गलत टैक्स आपने 2008 में डिपॉजिट कर दिया, हम आपको रिफंड दे देंगे। और उसकी जो 2 साल की टाइम लिमिट है वो कहां से चेक करेंगे, जहां पर आपने सही टैक्स डिपॉजिट करा है जी। सर इसका जो पर्पज है, सेक्शन 77 में एक लाइन लिखी हुई है, सेक्शन 77 कहता है सब्सिक्वेंटली हेल्ड राइट। तो सर यहाँ पर इस सिचुएशन को अगर हम समझे तो सिचुएशन कुछ ऐसे बनती है कि भाई आपने गलत टैक्स पे करा 2017 में जी, सही टैक्स पे करा 2019 में जी। तो सर आप रिफंड के लिए एलिजिबल कब हुए, 17 में या 19 में? रिफंड के लिए ऑब्वियस है एलिजिबल आप 19 में होंगे, क्योंकि जब तक आप सही टैक्स नहीं पे करेंगे तब तक आप रिफंड नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई करा, भाई जब आप रिफंड के लिए ही एलिजिबल 2019 में हो जी, तो आपको जो 2 इयर्स का टाइम कैलकुलेट करना है आपको वहां से करना है जहां पर आपने सही टैक्स पे किया, ठीक है ना सर जी। अब सर एक लोगों के मन में ये डर था कि पुराने केसेस का क्या होगा जी, भाई किसी ने 2 साल निकल गए उसका क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने इसमें एक रिलैक्सेशन और दिया है कि भाई इस वाले केस में जिस दिन ये नोटिफिकेशन आई जी, उस दिन से आपका 2 साल का टाइम पीरियड काउंट होगा, मतलब कि आपके मरे हुए रिफंड भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपका टाइम 2 इयर्स का निकल गया है तो आप इस नोटिफिकेशन की डेट से, जो 24 सितंबर में आई है, यानी 24 सितंबर 2021 में आई है, तो आपके पास 23 सितंबर 2023 तक का टाइम है। बिल्कुल। और अगर नया कोई केस है तो जब आप टैक्स पे करेंगे वहां से आप अपने
सही टैक्स जो पे करेंगे, यहां पे ध्यान रखने की बात ये है कि अब सही टैक्स जब पे करेंगे। पहले क्या होता था, क्योंकि आप अपना पुराने टैक्स का रिफंड लेने जाते थे, वही रिफंड तो उसी टैक्स का बन रहा है, तो हम 2 इयर्स वहां से काउंट करते थे और हमारे 2 इयर्स लैप्स हो चुके होते थे, हमारा डबल नुकसान होता था। इधर हमने टैक्स भी पे कर दिया एंड द अदर साइड वी आर नॉट एलिजिबल फॉर रॉन्ग टैक्स। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब यहाँ पर इन्होंने सर इस चीज को करने के लिए ना रूल्स को भी अमेंड करा, राइट। हमारे यहाँ पर एक रूल्स डाला जो रिफंड का रूल्स है, क्योंकि सर कई बार ये लगता था कि भाई अगर सेक्शन 77 का रिफंड लेना है तो एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा हुआ था कौन से रूल में जाए, तो रूल में कंफ्यूजन थी। तो इन्होंने क्या करा, रूल 89 के बाद एक रूल इंसर्ट करा और यहाँ पर इन्होंने इस चीज को लिख दिया कि भाई एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, मतलब कि जो आपका करेक्ट टैक्स है वहां से लेंगे। तो इसका मतलब सर अब इसमें रिफंड जो है वो बहुत आसानी से मिल जाएगा जी, ठीक है। मतलब अब आपको एक तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका 2 इयर्स का टाइम कभी भी लैप्स नहीं होगा, पुराना टाइम निकल चुका है, तो यहाँ से आप स्टार्ट हो जाइए, यहाँ से 2 साल आपको मिल गए हैं फ्रेश। और कभी आपका बाद में पता लगता है तो जब आप सही टैक्स जमा करेंगे तब से 2 साल स्टार्ट होंगे, तो जब आप सही टैक्स जमा कर रहे होंगे आपको पता ही है, तो वहां से 2 साल के अंदर आपको, मतलब जिस दिन आपको गलती पता लगे, हाँ, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपका टैक्स रॉन्ग हेड की वजह से कहीं नहीं जाने वाला, बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला, जब आपको गलती पता लगे तब से 2 साल। सर इसमें ना लास्ट में एक लाइन डाल दी कि अगर आपने ये एडजस्टमेंट सेक्शन 34 से कर दी है जी, तो तब आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसमें आप थोड़ा सा आप हमें बताइए क्या कहना चाहते हैं। इसमें इन्होंने तो कह दिया है कपिल जी कि सेक्शन 34 बेसिकली होता है क्या है, क्रेडिट नोट इश्यू करने का। सपोज आपने COS आपने रॉन्ग जमा कर दिया था, राइट, तो आपने क्या कहा, क्रेडिट नोट के थ्रू उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। हालांकि क्रेडिट नोट मेरे को अब सेक्शन 34 इस चीज के लिए अलाउ नहीं करता, क्योंकि क्रेडिट नोट की भी कंडीशंस हैं कि आपने कभी एक्सेस टैक्स चार्ज कर दिया हो, एक्सेस टैक्सेबल वैल्यू चार्ज कर लियो, या आपका गुड्स रिटर्न आ गया हो, या कुछ डेफिशिएंसी निकल गई, ये 3-4 कंडीशन में मैं क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूँ। इस कंडीशन में मुझे क्रेडिट नोट इशू नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टिल इन्होंने बोला है कि अगर आपने क्रेडिट नोट के थ्रू अपना एडजस्टमेंट कर लिया है तो फिर अगेन हम आपको रिफंड क्यों देंगे, तो उस केस में हम आपको रिफंड नहीं देंगे। बाकी हम मैगजीन में इसे क्लैरिफाई करेंगे, तो इस मंथ की सर मेरे को लग रहा है जो होने वाली है ना हमारी बहुत ही वास्ट होने वाली है, बहुत ही डिटेल्ड होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी नोटिफिकेशन आई और बहुत सारी नोटिफिकेशन हैं, सर्कुलर हैं और सब काम के हैं इस बार के, और इसलिए इस बार तो मैं भी प्रेफर करूंगा कि सब पढ़े इस मैगजीन को, मैं पर्सनली खुद इस मैगजीन को पढ़ूंगा, क्योंकि ये आपके लॉन्ग लास्टिंग जितने भी सर्कुलर आए हैं सब लॉन्ग इफेक्ट वाले सर्कुलर। सर एक नोटिफिकेशन नंबर 35 है, उसके अंदर ना रूल्स को अमेंड किया गया, तो सर आप एक बार मोटा मोटा बताएं कि जो ये रूल्स अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे कि एक नया रूल आया है 10B, 10A को अमेंड किया गया है, तो क्या है सर, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए सर। बेसिकली क्या है कि ये रूल जो लाए गए हैं वो बैंक अकाउंट और आपका आधार से रिलेटेड चीजों को स्ट्रिंजेंट करने के लिए लाए गए हैं। बिल्कुल, जैसे मैं थोड़ा सा समरी बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बैंक अकाउंट के लिए रूल 10A इंसर्ट किया गया था 28 जून 2019, राइट, वो आपका नोटिफिकेशन नंबर था 31st 2019 के थ्रू इंसर्ट किया गया था। उसमें ये बोला गया था कि बैंक अकाउंट उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं होता है रजिस्ट्रेशन लेते हुए, हाँ। तो आप क्या कीजिए 45 डेज में अपना बैंक अकाउंट आप लिंक कर दीजिए, और अगर 45 डेज में नहीं कर पाते तो हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो एक तो 10A रूल में ही अमेंडमेंट की है, वहां पे वर्ड था बैंक अकाउंट कर दीजिए। वो बैंक अकाउंट क्या होता था कि पुराने टाइम में तो इतना चेक भी नहीं होता था, हाँ, बैंक अकाउंट आपने किसी का भी लगा दिया, हाँ, या लगा दिया तो वो आपके पैन से लिंक नहीं है, तो उसने दो चीजें 10A में चेंज की हैं, हाँ, कि एक तो आप बैंक अकाउंट लगाओगे तो, हाँ, वो आपका पैन से लिंक होना चाहिए, ठीक है, और अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो वो इनकम टैक्स की साइड से आधार से भी लिंक होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो 10A रूल 10A की अमेंडमेंट है जो आप कह सकते हो कि नोटिफिकेशन 35/2021 के थ्रू 10A में इन्होंने अगर मैं बात करूं तो देखो 10A में ना जो पुराना रूल 10A था उसमें लिखा हुआ था आपको बैंक अकाउंट अटैच करना, तो यहाँ पर कई बार एसएससी क्या करता था किसी दूसरे का भी बैंक अकाउंट अटैच कर देता था, और क्या पता गलती से वो अप्रूव भी हो जाए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि बैंक अकाउंट अटैच नहीं करना है, बैंक अकाउंट विच इज द नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, कि रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पे वो बैंक होना चाहिए, उसके पैन से लिंक होना उससे चाहिए। उसके पैन से लिंक होना चाहिए और वो आधार से, और अगर वो सोल प्रोप्राइटर है तो उसका वो पैन नंबर इनकम टैक्स की साइट पे आधार से जो आप लिंक करते हो वो वाला काम उसपे होना चाहिए, ठीक है। सर एक 10B इंसर्ट किया गया है, ये क्या 10B में, अब ये तो हो गई बैंक अकाउंट से रिलेटेड बात, अब हो गया आधार से,
आधार, अब क्या है कि आधार वेरिफिकेशन आपको पता है कि सर नए रजिस्ट्रेशन में शुरू हो गया था, और वो 1/4/2020 से नोटिफिकेशन 62/2020 से स्टार्ट हो गया था 1/4/2020 से। वो क्या होता था कि वेरिफिकेशन आपका फिजिकली होता था, सॉरी आधार के थ्रू आपका वेरिफिकेशन होता था, अगर आप नहीं कराते थे तो वो आपका फिजिकली वेरिफिकेशन करता था, और उन्होंने बोला था कि अगर आप आधार से लिंक करा के करा दोगे तो 7 डेज में हम आपको रजिस्ट्रेशन अलॉट कर देंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम फिजिकली आएंगे और 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। थोड़ा सा डिले भी होता था रजिस्ट्रेशन। अब क्या था कि अब इसके लिए हमारे पास ये सारा प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 में लिखा हुआ है। बिल्कुल 25 के ये जो आधार की बातें करते हैं उसके सब सेक्शन 6 से 6B, 6C और 6D, ये चार सब सेक्शन इसकी बात करते हैं। जी जी। अब 6A में 6A किसके ऊपर एप्लीकेबल था? जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड, उनका तो आधार का भी लिंक हो ही नहीं पाया, वो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उन्होंने बोला था हम आपके लिए डेट बताएंगे कोई आप नोटिफाई करें। बिल्कुल। 6B के लिए ये काम चल रहा था कि अगर आप वेरीफाई नहीं कराओगे तो हम प्रीमाइसेस में आएंगे और 30 डेज में कर देंगे। ठीक है। और 6A के लिए आप मान सकते हो कि उन्होंने 3 लोगों को इस नोटिफिकेशन के थ्रू 3 लोगों को कंपल्सरी बता दिया है कि ये लोग तो अब आधार से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लिंक कराएंगे। ये 3 लोग कौन हुआ करेंगे? अगर आप रिफंड की एप्लीकेशन रूल 89 में फाइल कर रहे हैं, ठीक है, रिफंड की एप्लीकेशन रूल 96 में फाइल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप रिवोकेशन अपना फाइल कर रहे हैं, ठीक है, रूल 23 के अंदर आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की जो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उसका रिवोकेशन की अगर एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो तभी कर पाओगे जब आपने आधार लिंक कर रखा है। तो बेसिकली इन 3 लोगों के लिए भी इन्होंने कंपलसरी बना दिया कि इन 3 लोगों को करना है, प्लस जितने भी नए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उसमें तो आधार लिंक कंपलसरी है ही, तो रूल 10B के थ्रू इस चीज को इंसर्ट किया। अगर मैं नेट सेल में बात करूं तो आप इस चीज को समझिएगा कि भाई जो नए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उसकी तो आधार ऑथेंटिकेशन करा ही रहा है डिपार्टमेंट, ठीक है, कि भाई आप रूल 6B जो नहीं section, करा रहा है तो फिर फिजिकली आपके ऊपर वो प्रीमाइसिस पे आएगा चेक सेक्शन 25 6B से। लेकिन जो 6A है उसमें जितने लोग अभी तक जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए सबका आधार वेरीफाई कराना है, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई सबका तो एक साथ हम करा नहीं सकते, तो हम 3 लोगों को बोल देते हैं कि अगर तुम रिफंड लेना चाहते हो, अगर आप रिवोकेशन कराना चाहते हो तो पहले आधार ऑथेंटिकेशन करा के आओ, तभी हम तुम्हारा ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये इन्होंने ये चीज बोली है। और अगर आप पे आधार नंबर नहीं है तो आप आधार अभी आधार नंबर नहीं है तो आधार का आपने अप्लाई कर दिया होगा वो दे दो, उससे रिलेटेड हो, ठीक है सर। रूल 23 में यही चेंज करा है मेरे हिसाब से कि वहां पर लिख दिया कि रिवोकेशन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ रूल, रिवोकेशन की आप एप्लीकेशन जा रहे हो, यू में अप्लाई, लेकिन कब कर सकते हो? जब आपने अपना आधार से लिंक, मतलब 10B को फॉलो कराओ, ठीक है सर। एक जैसे इसकी एक कंडीशन ये भी होती थी कि अगर आपकी रिटर्न पेंडिंग चल रही है तो आप रिवोकेशन के लिए तभी जाओगे, रिटर्न फाइल करोगे, अब रिटर्न भी फाइल करोगे और आधार से भी लिंक करोगे, देन यू कैन ओनली अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। सर रूल 45 में तो मेरे हिसाब से ज्यादा कोई चेंज नहीं है, जो हमने पहले डिस्कस करा था कि भाई जॉब वर्कर के केस में जो अब ITC 04 होगा वो साल में, ठीक है ना, 2 बार होगा, ठीक है, अगर 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, अप्रैल से सितंबर तक के लिए अलग होगा और उसके बाद अक्टूबर से मार्च तक के लिए अलग होगा, बस यही केस है। और अगर 5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है तो साल में। अच्छा एक सर रूल 59(6) था, रूल 59(6) में ना सर एक क्लोज थी, क्लोज सी, एक तो उसे ओमिट कर दिया, वो थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग क्लोज थी जी, तो उसे हमने ओमिटेड करा दिया है। नहीं कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि सर हुआ क्या है कि अब इन्होंने बोला है कि जब वहां पे रूल 59 क्या था, हाँ। रूल 59 ये है कि वो कहता है कि अगर आपकी 3B आपकी हाँ। 2 बार की टाइम की नहीं गई है, हाँ। पहले ये बोला करता था तो हम आपको GST-R1 फाइल करने नहीं देंगे, हाँ। अब इसने क्या अमेंडमेंट करा कि अब 1 महीने की भी नहीं जाएगी तो नहीं करने देंगे। बिल्कुल। तो ये नीचे जो सी क्लोज बोलती थी, ये सी क्लोज यही बोलती थी कि जिसका जिसके ऊपर 86B लग रहा था, 86B लग रहा है तो उसको तो हम फाइल करने ही नहीं देंगे, तो इसका मतलब 86B कब लगता था? 1 महीने का, और अब 1 महीने का टाइम तो वैसे ही ऑटोमेटिकली हो गया, तो सी अपने आप में रिडंडेंट हो गई, तो इसको इन्होंने ओमिट कर दिया। तो बेसिकली अमेंडमेंट ये है कि पहले जो अब आपको 3B 2 महीने का टाइम मिलता था, अब अगर आप 3B 1 मंथ की भी नहीं फाइल करेंगे तो आपको GST-R1 में आप या फैसिलिटी के थ्रू अपनी आउटवर्ड सप्लाई को दिखा नहीं पाओगे और आगे लोगों को ITC नहीं मिल पाएगा। जी सर अब लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है सर। रूल 89 में फटाफट जो आपको सेक्शन 77 का रिफंड है उसकी बात डाली है, और जो 10B 77 में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, 77 वाले में एक चीज उन्होंने और क्लैरिफाई की है कि सब्सिक्वेंटली हेल्ड का मतलब हम क्या लेंगे, सब्सिक्वेंटली हेल्ड का मतलब हम ये लेंगे कि डिपार्टमेंट ने बताया तो सब्सिक्वेंटली हेल्ड है, या मैंने खुद ही ढूंढ के निकाल लिया था तो भी मेरे केस में मानोगे? तो उसने कहा इन एनी केस चाहे आप खुद ढूंढ के निकालो चाहे डिपार्टमेंट ढूंढ के निकाले थ्रू
असेसमेंट थ्रू ऑडिट या किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में या अपील में निकले, तो हम हर केस में आपको ये रिलैक्सेशन देंगे। जब हम आपसे सही टैक्स ले रहे हैं तो हम आपको गलत टैक्स का रिफंड भी देंगे, आपका वो गलत टैक्स कहीं नहीं जाने। फिर एक नया रूल 96C डाला इन्होंने, बैंक अकाउंट फॉर क्रेडिट ऑफ रिफंड, उसमें भी ये रूल तो सारे सर यही है कि जब रिफंड से रिलेटेड जितने होते थे उनमें यही लिखा है कि आप बैंक अकाउंट अपना आधार वेरिफिकेशन कराएंगे। बिल्कुल सर। सर लास्ट में ना जाते जाते ना 2 मिनट में नोटिफिकेशन नंबर 36 आई है, इसमें एक चीज इंसर्ट करी है इन्होंने, यहाँ पर 6A वर्ड इंसर्ट करा है। right. ये भी आप एक बार बता दीजिए सर। ये तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन 25 में प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, जिसमें सब सेक्शन 6A, 6B, 6C और 6D थी। 6A रजिस्टर्ड बंदों की बात करता था, जिसमें से अब तीन लोगों के लिए मैंडेटरी कर दिया आधार से लिंक करना। 6B नए रजिस्ट्रेशन की बात करता था कि आधार से लिंक करना, नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उससे करेंगे। और 6D जो थी क्लोज सबसेक्शन जो था, 6D कुछ लोगों को रिलैक्सेशन देता था कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है या गवर्नमेंट के हैं या फिर लोकल अथॉरिटी है, इन लोगों को रिलैक्सेशन देता था कि तुम्हें आधार का कि आपको आपको आधार से लिंक नहीं करना है। तो क्या हुआ था कि जब ये रिलैक्सेशन देता था तो ये रिलैक्सेशन देते देते इसने बस ये वर्ड यूज करे 6B और 6C, वहां पे 6A मतलब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन थे उनको रिलैक्सेशन नहीं मिल पाई थी 6B वाली। तो ऐसा लगता था कि अगर नॉन सिटीजन है और वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसको आधार से लिंक करना है। तो उसने अपनी इस गलती को एक तरह से सुधारा है इसमें और उसने एक 6A वर्ड भी इंसर्ट कर दिया। तो अब इन लोगों के ऊपर यानी कि जो नॉन सिटीजन है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, स्टैचुरी बॉडी है, उनको आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है, इधर आप रजिस्टर्ड थे या आप नॉन रजिस्टर्ड। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आपने दोनों नोटिफिकेशंस को सर्कुलर को बहुत अच्छे से समझाया, हमारे यूजर्स को सबको समझ आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना आपको क्या पार्ट वीडियो का सबसे अच्छा लगा, आपको वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। और ये सारा जो कंटेंट है ना मैगजीन में आने वाला है, इसका मतलब अक्टूबर महीने की मैगजीन एकदम बहुत ही बढ़िया होने वाली है, उसे मिस ना करना। इन नंबर पर व्हाट्सअप करके सब्सक्राइब करा लेना, अगर मैगजीन की सैंपल कॉपी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले लीजिएगा। अगर अमरजीत सर से कोई क्वेरी पूछनी है तो आप सर का नंबर नोट कर सकते हैं, इस नंबर पर आप उनसे क्वेरी सकते हैं, इसी नंबर पे उनका टेलीग्राम चैनल है। और हाँ सर का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है सी अमरजीत सिंह के जी के नाम से, ज्यादा वीडियोस तो नहीं होती लेकिन जितनी भी वीडियोस होती है सर वो बहुत अच्छी होती है, तो आप वहां पर जाकर इस चैनल पर भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो सर से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी।